नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में एक ऐसी सिद्ध पीठ है जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। श्रद्धालु माता को कन्नौज का रक्षक मानते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर इस मंदिर में आकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद वे लोग यहां आकर माता की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर अपने आप में ही अद्भुत शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कई बार श्रद्धालुओं ने माता का मंदिर बनवाया, लेकिन रात्रि में मंदिर की दीवारें ध्वस्त हो जाती और मां की मूर्ति पुनः वृक्ष के नीचे ही स्थापित मिलती। तब से माता नगरकोट में खुले में ही विराजमान है। सैकड़ों साल से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर अपने आप में ही अद्भुत शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कई बार श्रद्धालुओं ने माता का मंदिर बनवाया, लेकिन रात्रि में मंदिर की दीवारें ध्वस्त हो जाती है और मां की मूर्ति पुनः वृक्ष के नीचे ही स्थापित मिलती है। तब से माता नगरकोट में खुले में ही विराजमान है। नगरकोट मंदिर कन्नौज रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर मोहल्ला पटकाना में है। तलिया चौकी जाने वाले टेम्पो से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। वहीं जीटी रोड पर गुरसहायगंज की तरफ से श्रद्धालु जलालपुर पंचमा गांव से होते हुए करीब 4 किलोमीटर पैदल जाकर भी मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कन्नौज नगर में नगरकोट में माता का मंदिर बना हुआ है। इनको पतवारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भक्ति दूर दराज क्षेत्र से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। यह मंदिर में विराजमान पतवारी देवी माँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। कन्नौज के राजा वेणु चक्र की पुत्री थी पतवारी देवी। माता क्षेमकाली की बड़ी बहन थी। राजा वेणु चक्र ने पतवारी देवी को नगर की सुरक्षा का भार सौंपा था। इसके बाद से पतवारी देवी माता नगरकोट मंदिर में विराजमान होकर कन्नौज की रक्षा कर रही है और साथ ही जिन दंपति को संतान नहीं है उनकी संतान प्राप्ति की भी मनोकामना पूरी करती। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।